भाई संडे की जिम कैसे होती है? अतुल भाई से आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। तो गाइस जो बातें बुजुर्ग लोग कह के चले गए हैं वो हमेशा से चरितार्थ होती हैं। हमेशा से कहावत कही गई है कि फसल अपने ही कर्म से बढ़ती है, तो ये बात सत्य है। तो गाइस इस बार मेरे साथ रही आप लोगों को चुकंदर, धनिया, मिर्च। तो गाइस हम लोगों ने अपने चप्पल वगैरह रिमूव कर दिए हैं। नन्नू कह रही कैसे चप्पल उतारे, तो नन्नू अभी नया किसान है, छोटा किसान है, आ जाओ। तो गाइस इसको प्लेन करना पड़ेगा, खेती को मिट्टी से जुड़ के करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड यार, करो ऐसे, वेरी गुड। अतुल अब मजा आया, आज संडे की जिम कैसे होती है? तो भाई संडे की जिम कैसे होती है अतुल भाई से आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। तो गाइस गाजर की बुआई स्टार्ट कर रहे हैं, तो रहे मेरे साथ, करते रहे मेरे इस तरह के ऑर्गेनिक खेती का एंजॉय। गाइस तुरई और लौकी की बुआई अब हम लोग करने चल रहे हैं। हालांकि गाइस जब भी इस तरह से खेती होती है तो उसके किनारे किनारे पे, तो गाइस ठंडी वाली और बेड के जो किनारे किनारे हैं वहां पे बुआई करा दी जाती है। अलग गाइस 10 रुपए में हमें लगता है कि गिन के 10 ही बीज मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही बीज दिया गया है। तो गाइस 10 बीज बहुत ही सिलेक्टेड प्लेस पे बुआएंगे, साथ ही साथ हम लोग बुआई कराएंगे तुरई की, तो भी वही बेड पे ही बुआई कराएंगे। तो रहिए मेरे साथ, करते हैं इसकी बुआई। अच्छा तो गाइस हम लोग चुकंदर की बुआई स्टार्ट कर दिए हैं, नन्हू भी पूरा पूरा हेल्प कर रही है। तो गाइस बुआई से पहले, सबसे पहले इसकी हम लोग लाइन बनाते हैं। लाइन के ऊपर हम लोग मिट्टी का एक पड़ाव बनाएंगे, जैसे मेड़ जैसा होता है, तो उसके ऊपर चुकंदर की बुआई करेंगे, तो उसमें बहुत ही हेल्दी चुकंदर पैदा होंगे। दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू मारवाड़ी जुगाड़, हमारे चौधरी साहब के लिए है। चौधरी साहब हम लोग किसान के ही बच्चे हैं। गाइस हम लोग नेचर से प्यार करते हैं, तो उसके साथ उस मिट्टी को, खुशबू को पूरी तरह से उसको अपनाते हैं, उसके साथ हम लोग ज़िंदगी जीते हैं। हमेशा क्रिएटिव काम में लगे रहना चाहिए, खेती किसानी और मेहनत का काम तो हमेशा से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ही करना है तो पैदा हमें करना है, खाना भी हमें ही है। गाइस सबसे पहले इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। किसानी तो सभी करते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा से भी ब्रेन का प्रयोग किया जाए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, थोड़ा सा साइंटिफिक यानी साइंस का यूज़ किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए, तो काम वही होगा लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो गाइस हालांकि भैया इसमें पीछे काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, तो जो हमने गाजर, मूली और साथ ही साथ चुकंदर वगैरह की जो बुआई करानी थी उसकी पूरी तैयारी कर ली है। तो गाइस आज हम लोग ये तय करके आए हैं कि आज बुआई पूरी करके और करा कर ही वापस लौटेंगे, क्योंकि इस पर अब थोड़ी थोड़ी लापरवाही स्टार्ट कर दिए थे चाचा जी। हालांकि चाचा जी का इंटेंशन अभी भी यही था कि इन सब की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बोने से क्या फ़ायदा। तो गाइस उसके फ़ायदे क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक तरीके से जो बुआता है, जो खाता है, उसी को पता चलता है। हालांकि चाचा जी भी खाते हैं, लेकिन चाचा जी का कहना यह रहता है कि मुझे बेटा ये पसंद नहीं है, तो मैं इसकी बुआई नहीं कराऊँगा। तो गाइस इसमें टोटल गाइस सेल्फिश वाली बात आ जाती है। हालांकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं चाचा जी इस बार वीडियो में थोड़ा सा रोस्ट कर दे रहा हूँ। हालांकि वो मेरा वीडियो देखेंगे तो डांटेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन गाइस रहे मेरे साथ, करते रहिए इस तरह से मेरे वीडियोज़ का एंजॉय, और आज पूरी तरह से बुआई वगैरह करेंगे, उसका पूरा शूट भी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे आ गए हैं जो अपना नाम बता रहे हैं, संध्या, ईशा और क्या नाम है आपका, आयशा, संध्या और संध्या। तो गाइस इन लोगों को चाहिए, जो हमारे यहाँ जो कदम के पेड़ लगे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे फल होते हैं, बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइस हम पूरी मदद करेंगे इनकी, हमारे साथ अतुल भाई भी आ चुके हैं, तो अतुल से कहते हैं कि इन लोगों को जो फल हैं, जो ये लोग, इन लोगों की डिमांड है गाइस कि पके फल चाहिए, तो हम पके वाले फल तोड़वा करके इन लोगों को, फल हैं हमारे कदम वाले, इनको बहुत प्यारे लगते हैं, तो बच्चों को ये फल हम तोड़ तोड़ के दे दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं अपने काम में लगते हैं। ईशा को गाइस मैंने दे दिया, ईशा कैसे खाओगे इसको, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ, कैसे खाओगे बताओ इसको,
मुंह से तो खाएंगे, सभी खाते हैं, मतलब इसको छील के खाओगे ना, डायरेक्ट तो नहीं खाओगे ना? हैं, कैसे करोगे? ऐसे डायरेक्ट खाओगे? कौन खा के दिखाएगा? खा के दिखाओ, कैसे खाओगे? ऐसे खाया जाता है? हालांकि गाइस इसकी मुझे कभी आइडिया नहीं थी, अगर बच्चे खा रहे तो मैं भी एक बार जरूर टेस्ट करूंगा और टेस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। इनसे पूछो संध्य कैसा टेस्ट है, इसका स्वाद कैसा है। इस करते हैं वीडियो के समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।